गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AIUPGTMD UPSC MO में। तो आज हम लोग एक UPPSC से UPPSC MO आयुर्वेद क्विज कंपटीशन करेंगे। तो सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और आज हम लोग ये सेशन रख रहे हैं। ये सेशन आपके यूपीपीएससी एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए। जिन जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग मुझे बताएं कि आवाज आ रही है कि नहीं। जल्द से जल्द हम लोग सवाल लगाना शुरू करेंगे। जल्द से जल्द आप लोग बताइए कि आवाज आ रही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है आइडेंटिफाई दिस प्लांट। तो इस प्लांट को आपको पहचानना है। ये जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है आपको सबसे पहले इसे पहचानना है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके, लाइव चैट में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। ऑप्शन आ रहा है कैप्सिकम, एरंड, बहेड़ा या पिपली। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही नहीं लगाया है बताइए। तो आंसर बताने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड, पिपली है इसका आंसर। अगला देखिए, सुश्रुता अनुसार स्थावर द्रव्यों का प्रयोज्यांग होता है। सुश्रुता अनुसार स्थावर का कौन सा प्रयोज्यांग होता है, जल्द से जल्द बताने का प्रयास कीजिए। स्थावर द्रव्यों के प्रयोज्यांग होते हैं 18, 19, 8 या 6। आठ है इसका आंसर। तो यूपीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनकी संभावना सबसे ज्यादा बनती है, यूपीपीएससी एमपीपीएससी दोनों का ही यहाँ पर सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। सुश्रुता अनुसार स्थावर द्रव्यों के प्रयोज्यांगों में शामिल नहीं है शुंभ, सार, क्षीर, ऑल दी अबव। तो जो भी बताए गए थे स्थावर द्रव्यों के प्रयोज्यांग, उसमें कौन सा शामिल नहीं है आपको ये बताना है। जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास कीजिए। शुंभ, सार, क्षीर या ऑल दी अबव। वेरी गुड, निकिता सिंह जी का आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर है ऑल दी अबव। ये सभी चीजें सुश्रुत के जो भी प्रयोज्यांग बताए गए हैं उसमें अवेलेबल नहीं है। अगला देखिए, सुश्रुता अनुसार प्राणियों के बल, वर्ण और ओज का मूल क्या है। सुश्रुता अनुसार प्राणियों के बल, वर्ण, ओज का मूल क्या है। सार नहीं होगा इसका आंसर, उसका ऑल दी अबव होगा आंसर। ये बताइए, सुश्रुता अनुसार प्राणियों के बल, वर्ण, ओज का मूल है रस, रक्त, औषधि या आहार। रस, रक्त, औषधि या आहार। जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास कीजिए। आहार है इसका आंसर, बिल्कुल सही। आहार ही बल, वर्ण और ओज का मूल होता है। आहार से ही सारी चीजें बनती हैं, बल, वर्ण, ओज। ये बताइए कि सुश्रुत संहिता में कुल कितने सूत्र हैं। सुश्रुत संहिता में कुल कितने सूत्र हैं। लाइव कर लीजिए सब लोग, जिनका लेट आंसर आ रहा है वो लाइव लाइव करके आंसर करें। सुश्रुत संहिता में कुल कितने सूत्र हैं। तो
1800, 1200, 8300, 5300, तो इसका सही आंसर होगा 8300। आप सभी लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, 8300 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, सुश्रुत संहिता में के किस स्थान में सबसे कम अध्याय हैं? सूत्र स्थान, कल्प स्थान, निदान स्थान, सारी स्थान। सुश्रुत संहिता के किस किस स्थान में सबसे कम अध्याय हैं? तो सूत्र स्थान में कितने हैं? 46 हैं। कल्प स्थान में 8 हैं। निदान स्थान में 16 हैं। और शारीरिक स्थान में 10 है। कल्प स्थान इज द राइट आंसर, का कल्प स्थान होगा। कल्प इज द राइट आंसर। आगे देखिए, सुश्रुत संहिता में तंत्र भूषण अध्यायों की संख्या है 4, 3, 46, 40। चार, तीन, 46, तो तंत्र भूषण अध्याय जो है 4 है। टोटल मिलाकर इसके आंसर होंगे 4। ये देखिए, चिकित्सक का पर्याय शांति कर्म किसने बतलाया है? चिकित्सक का पर्याय शांति कर्म किस आचार्य ने बताया है? शांति कर्म, चिकित्सा अर्थात शांति कर्म किस आचार्य ने बताया है? चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने या कश्यप ने? चिकित्सा का पर्याय शांति कर्म किस आचार्य ने बताया है? इसका करेक्ट आंसर होगा सुश्रुत। बिल्कुल सही जवाब है मधु सिंह जी। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आइए, सुश्रुत ने अष्टांग आयुर्वेद में काय चिकित्सा को कौन सा स्थान दिया है? सुश्रुत ने अष्टांग आयुर्वेद में काय चिकित्सा को कौन सा स्थान पर रखा है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर? तीसरे स्थान पर। वेरी गुड, मधु सिंह का आंसर बिल्कुल सही है, तीसरे स्थान। सभी लोग लाइव करके ही इसको ट्विच में पार्टिसिपेट कीजिए। सुश्रुत ने अष्टांग आयुर्वेद में अगत, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि सुश्रुत ने कौन सा स्थान पर रखा है। ऐसे क्वेश्चन आपको चरक के, सुश्रुत के, वाग्भट तीनों के ही मिलेंगे कि कौन से स्थान पर अगत तंत्र को रखा है, कौन से स्थान पर किस आचार्य ने कौन से स्थान पर किस विषय को रखा है। तो अगत तंत्र को कौन से स्थान पर रखा है? तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठवें पे। बिल्कुल सही जवाब है, छठवें पे रखा है, सिक्स्थ पोजीशन पे रखा है। अगत तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरणम तंत्रम इति, तो लास्ट के जो है वो। आगे देखिए, क्वेश्चन आ रहा है, सालाक्य तंत्र में कौन सी इंद्रिय की चिकित्सा शामिल नहीं है? मतलब सालाक्य तंत्र ये एक तंत्र है जिसमें हम ऊर्ध्वगत जत्रुगत रोगों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी इंद्रिय है जो ऊर्ध्व जत्रुगत नहीं पाई जाती, वो आपको आपको समाधान बताना है। श्रवण, वदन, घ्राण या त्वक? जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए, श्रवण, वदन, घ्राण या त्वक? त्वक है इसका आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। तो शालाक्य तंत्र में कौन सी इंद्रिय की चिकित्सा शामिल नहीं है? त्वक इंद्रिय की चिकित्सा शामिल उसमें नहीं रहती। तो त्वक इंद्रिय की चिकित्सा कौन से वैद्य करते हैं, किस विषय का मूल मंत्र है? तो ये काय चिकित्सा या शल्य शास्त्र में इसको देखा जाता है।
आगे देखिए, वाजीकरण तंत्र का वर्णन आचार्य ने नहीं किया है। किस आचार्य ने वाजीकरण तंत्र का जो है उल्लेख ही नहीं किया है? ये क्वेश्चन आ रहा है, यूपीपीएससी में आते रहते हैं इस तरह के प्रश्न, तो आपको बताना है वाजीकरण तंत्र का वर्णन किस आचार्य ने नहीं किया है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट या कश्यप? वेरी गुड, कश्यप संहिता। कश्यप संहिता में वाजीकरण तंत्र का कोई महत्वपूर्ण वहां पर काम नहीं है। अगला एक आ रहा है, आइडेंटिफाई दिस प्लांट। देखिए, इस बार की AIPGET में क्या आया होता है, प्लांट आया होता है, तो उसी उसी आधार पर हमने भी क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। तो ये देखिए, इस प्लांट को आपको पहचानना है, ये क्या चीज है, इसकी पत्तियों को देखकर आपको बताना है, इसके फल को देखकर बताना है क्या है। टोमेटो, रत्ती, अश्वगंधा, शतावरी। इसमें आप लोग सबसे तेज आंसर देने का भी प्रयास कीजिए, सबसे तेज आंसर देने का प्रयास कीजिए। अश्वगंधा है बिल्कुल सही जवाब। ये अश्वगंधा का पेड़ है, ये उसके बीज हैं। अश्वगंधा का मूल मेनली प्रयोग में लाया जाता है ब्रह्मण कार्यों के लिए। इसको आचार्य चरक ने बल्लिद महाकसाय और बृहणी महाकसाय दोनों में ही रखा है। ये देखिए, सुश्रुतंत्र और शल्य तंत्र की प्रधानता का क्या कारण है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AIPGET हो, UPSC, MO हो, हर जगह क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के, कि सुश्रुत में शल्य तंत्र ही प्रधान क्यों है? आंसू क्रिया कारणात, यंत्र शस्त्र क्षार, अग्नि प्रसिद्धनाथ, सर्वतंत्र सामान्यात या सभी? तो ये जो है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? ऑल दी एबव होगा, ऑल दी एबव। ये तीन ही कारण हैं जिस वजह से शल्य तंत्र को सुश्रुत आचार्य ने बेहतरीन माना है, प्रधान माना है, प्रधानता। तो आपको ये याद भी रहने चाहिए, अगर कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स आपको वहां पर बता देने होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम्, व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, प्रोवाइड द करेक्ट रेफरेंस ऑफ दिस श्लोक। इसका रेफरेंस आपको बताना है सुश्रुत सूत्र 1, सुश्रुत सूत्र 2, सुश्रुत सूत्र 22 या सुश्रुत सूत्र 21। इसका करेक्ट रेफरेंस आपको बताना है। मैं एक बार फिर से श्लोक पढ़ देता हूँ। इह खल आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च। स्वस्थस्य रक्षणम च गलत है, लक्ष्मी जी का आंसर बिल्कुल गलत है, सुश्रुत 21 में नहीं है इसका विवरण। नहीं है, 21 में नहीं है। मधु सिंह का बिल्कुल सही है, सुश्रुत सूत्र 1, इसको 1 में है। सुश्रुत सूत्र 1.21 यानी पहले चैप्टर के 21वें श्लोक में ये मेंशन है। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। इसको स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमनम, जैसे चरक का था वैसे ये है, व्याधि उपसृष्टानम व्याधि परिमोक्षा स्वस्थ से रक्षणम चाहिए, सुश्रुत का है पहले ही, सुश्रुत सूत्र पहले में ही बताया गया है। अगर ये चरक का होता तो चैप्टर नंबर 30 तीसवा होता, अगर चरक का होता तो तीसवा होता स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मनुष्य। व्याधि का आश्रय शरीर, मन, बोध या नन? व्याधि का आश्रय क्या होता है? शरीर, मानस, बोध, नन ऑफ दी एवर। बोध बिल्कुल सही जवाब है। व्याधियां
व्याधियों का आश्रय जो है दोनों ही होता है, लेकिन वेदनाओं का अधिष्ठान सभी प्रकार की वेदनाओं का अधिष्ठान, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। व्याधि का आश्रय दोनों, लेकिन सभी वेदनाओं का स्थान जो है मन, आत्मा, मन शरीर इंद्रिय, या मन और शरीर, आपको इसमें दोनों टिक करना है। आपको इसमें सभी वेदनाओं का, वेदनाओं इसमें वेदना है, इसमें जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है मधु सिंह जी का। इंद्र गोप यानी वीर बहुटी जो होती है वो कौन से श्रेणी में आएगी, जरायुज, वानस्पति, अंडज या औद्भिद, किसमें जाएगी इंद्र गोप वीर बहुटी, जरायुज, वानस्पति, औद्भिद, ये जो है किसमें जाना चाहिए, औद्भिद में जाना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, व्याधि की परिभाषा में धातु वैषम्य शब्द का प्रयोग किस आचार्य की देन है। तो जब भी व्याधियों के बारे में बात की जाती है तो व्याधियों में या तो धातु वैषम्य होगा या तो दोष वैषम्य होगा, तो आपको यह बताना है कि धातु वैषम्य शब्द का किस आचार्य ने प्रयोग किया हुआ है। चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने या कश्यप ने। वेरी गुड भारती, का आंसर बिल्कुल सबसे तेज है, चरक ने। चरक ने सबसे पहले ये बताया, धातु वैषम्य से ही होते हैं सारे रोग, चरक ने बताया है। और व्याधि की परिभाषा में दोष वैषम्य शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको बताने होंगे, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, कश्यप। तो इसका आंसर होगा वाग्भट वाला आंसर सही है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। दोष वैषम्य शब्द का प्रयोग वाग्भट ने किया है। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम, अरोगिता, वाग्भट की देन है। अब ये देखिए, सुश्रुत संहिता में नवायस लोह का प्रयोग किसकी चिकित्सा में किया गया है। नवायस लोह का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी चिकित्सा में प्रयोग में लाया गया, पांडु, कामला, प्रमेय, प्रमेय पीड़िका। तो इसमें आप लोग आंसर जो है नहीं दे पा रहे लग रहा है, इसका आंसर होगा प्रमेय पीड़िका। नवायस लोह जो है इसका प्रयोग प्रमेय पीड़िका में बताया गया है। आगे देखिए, औपसर्गिक रोग का उल्लेख सुश्रुत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आता है, इन्फेक्शियस डिजीज इसको बोलते हैं। आयुर्वेद में इन्फेक्शियस डिजीज का विवरण किस आचार्य ने किया है, कहाँ पर किया है, किस अध्याय में, किस प्रकरण में किया है। तो यहाँ पर स्थान पूछा गया है डायरेक्ट, तो ये एक इजी क्वेश्चन माना जाएगा। निदान स्थान, शारीरिक स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान। सुश्रुत निदान पांच, सुश्रुत निदान पांच में कौन सा विवरण है, कुष्ठ प्रकरण है, कुष्ठ प्रकरण है, कुष्ठ यानी स्किन डिसऑर्डर्स के प्रकरण में इन्फेक्शियस डिजीज का विवरण आया है सुश्रुत सूत्र पांच में। निदान स्थान, निदान सुश्रुत निदान स्थान पांच में कुष्ठ, बिल्कुल सही जवाब है। सुश्रुतानुसार श्रेष्ठ फल कौन सा है, श्रेष्ठ फल कौन सा है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, मृदुका, आमलकी, लकुच या सूरन।
इसमें आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग जल्द से जल्द। मतलब कि बेस्ट फल अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, तो मृद्विका नहीं होगा, आमलकी होगी, आमलकी होगी, आमलकी, आमलकी ने सुश्रुत आचार्य ने आमलकी को बेस्ट बोला है। अब ये देखिए, नवनीत का प्रयोग किस में होता है, नवनीत का प्रयोग किस में होता है? अरुचि, काश, मेध्य, लंघन। अरुचि, काश, मेध्य, लंघन। नवनीत का प्रयोग किस में होता है? तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है नवनीत के गुणों के में कि ये जो है मेध्य प्रॉपर्टी वाला होता है, मेध्य, अरुचि नहीं होगा, मेध्य होगा। आगे देखिए, सुश्रुत सुश्रुतानुसार का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए? सार का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए? सही है, ए है इसका आंसर, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। आचार्य सुश्रुत जी ने सारी बताए हैं सार का कब करना चाहिए, पंचांग का कब करना चाहिए, सारी डिटेल्स आपको बताया गया है। तो अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, आ रहा है, पंचांग का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए? वेरी गुड, ये शरद, शरद ऋतु इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सुश्रुतानुसार सौम्य द्रव्यों का संग्रह किस स्थान से करना चाहिए? तो डीजी के पॉइंट सही है, द्रव्य गुण से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आते हैं वहां पर। सुश्रुतानुसार सौम्य द्रव्यों का संग्रह किस स्थान से करना चाहिए? विंध्य से, हिमालय से, मरुभूमि से, अनूप से। तो ठंडी औषधियों का चयन जो है हमें हिमालय से करना चाहिए, गर्म औषधियों का चयन हमें विंध्य से करना चाहिए। हिमालय इज द करेक्ट आंसर है, सौम्य। आगे देखिए, सुश्रुतोक्त 37 गणों में से किस गण में सबसे अधिक द्रव्य है? सबसे अधिक द्रव्य किस गण की औषधि में है? वीरतावादिगण, रिंगवादिगण, निग्रोधादिगण, एलादिगण। जल्द से जल्द बताइए, सुश्रुतोक्त 37 गणों में, 37 गणों में किस गण में सबसे अधिक द्रव्य है? किसी को नहीं आ रहा है प्रश्न का जवाब, ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो हैं सुश्रुत संहिता के बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो एलादिगण में सबसे ज्यादा है, इस वाले गण में पहले वाला ऑप्शन सही है, एलादिगण में सबसे ज्यादा औषधियां पाई जाती हैं। स्तन्य शोधक गण कौन सा होता है? मुस्तादि, हरिद्रादि, पचादि या सभी? स्तन्य शोधक गण, स्तन्य शोधक गण कौन सा होगा? मुस्तादि, हरिद्रादि, वचादि, सभी। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर होगा सभी, सभी प्रकार के, ये सभी तीनों ही गण स्तन शोधन का कार्य करते हैं। उसमें शब्दों का जाल है, इस चैप्टर में आपको शब्दों को क्रैक करने के लिए बताया गया है, सारे लेक्चर्स उसमें, लेक्चर में आपको बताया गया कि किस तरह से इसको ब्रेक करना है, तो सभी में ही आएंगे। कंटक पंचमूल होता है, जो कंटक यानी कांटेदार पांच मूल हैं, वो
वो क्या कार्य करते हैं? वातसामक, कफशामक, पित्तशामक या त्रिदोषशामक, वो क्या कार्य करते हैं? तो ये देख लीजिए कि कंटक है यानी कांटे होंगे, तो कांटा जो है कफ को खत्म करने वाला होगा, कफ शामक होगा। उसमें लिखे भी हैं आचार्य सुश्रुत में, कंटक पंचमूल किसका कार्य करता है, तो कफ शाम, कफ का शमन करने वाला होता है। वृहत पंचमूल का रस क्या है? तो वृहत पंचमूल के द्रव्यों के बारे में जहां पर लिखा हुआ है उसी के नीचे वाली लाइन में आपको लिखा हुआ है कौन सा रस है, तो तिक्त रस वहां पर मेंशन है। वृहत पंचमूल के कंटेंट्स एंड उनकी जो क्वालिटीज हैं गुण, उसमें तिक्त रस का उल्लेख किया गया है। तिक्त रस उसका मेजर रस होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दस मूल में एकमात्र मधुर रस द्रव्य प्रधान कौन सा होता है? तो जो भी दस मूल के द्रव्य हैं, तो दस मूल के जो द्रव्य हैं उसमें सालपर्णी, गोक्षुर, गंभारी, सियोनाक, तो इसमें से कौन सा एक द्रव्य है जो जो कि आपका मीठा है, वो मधुर स्वभाव का है? क्योंकि दस मूल जो है त्रिदोष हर होता है, यानी इसमें तीनों दोषों को समाप्त करने की क्षमता होती है, वात पित्त कफ तीनों को खत्म करता है। तो इसमें एक द्रव्य मधुर भी है जिसका नाम है, आप लोग लाइव कीजिए वीडियो को, वीडियो के लाइव बटन में आइए और लाइव एक बार फिर क्लिक कीजिए, तो आप लोग सभी लोग लाइव आ जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है गोक्षुर। सुश्रुतानुसार चूर्ण की मात्रा क्या है? देखिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, तो आचार्य चरक ने कभी भी औषधि की मात्रा का प्रमाण नहीं बताया था। हाँ, लास्ट के अध्यायों में कल्प स्थान, सिद्धि स्थान में कुछ मात्राएं देखने को मिलती हैं, लेकिन वो दृढ़ बल के द्वारा पूरित किया गया था तब उसकी मात्रा। आचार्य चरक तो कभी मात्राओं का जिक्र करते नहीं थे, वो हमेशा अग्नि की बल की अपेक्षा रखते थे। आहार हो, औषध हो, सभी चीजें अग्नि की अपेक्षा करती हैं, लेकिन सुश्रुत ने सबसे पहले क्या किया? सुश्रुत आचार्य ने सबसे पहले प्रमाणों का जिक्र किया, क्योंकि प्रमाण जो है, अगर आप राजाओं के चिकित्सक हैं तब आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तब आपको स्पेसिफिक प्रमाण की जरूरत है जो कि अग्नि के डिपेंडेंट होगी। लेकिन अगर आप वैद्य हैं किसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के, जैसे कि मेजर पॉपुलेशन के आप वैद्य हैं, तो एवरेज आउट करना पड़ेगा, चीजों का आपको एवरेज करना होगा। ये एक फंडामेंटल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एवरेज करना हो। तो आचार्य सुश्रुत ने यही एवरेज पैमाना बताया है, एवरेज पैमाने बताए हैं, तीन तीन पैमाने बताए थे। 39 चैप्टर में प्रमाणों के बारे में मिलता है, आप लोग देखेंगे कि विडाल पद। आगे बढ़िए, सुश्रुत ने प्रभाव को क्या संज्ञा दी है? तो देखिए, प्रभाव अचिंत वीर्य अमीमांस, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो चरक ने क्या किया है? चरक ने प्रभाव को अचिंत कहा है और सुश्रुत ने प्रभाव को अमीमांस कहा है। प्रभाव जो है कॉमन है, दोनों ने ही कहा है, लेकिन स्पेसिफिक क्या है? अचिंत वीर्य चरक ने कहा है और अमीमांस सुश्रुत ने कहा है। विचित्र प्रत्यारब्धता, ये विचित्र प्रत्यारब्धता शब्द किसकी देन है? वाग्भट की देन है। तो अचिंत वीर्य का तीनों सिस्टम यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है, किस आचार्य की ने किस शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यत कुर्वन्ति, ये वाले सवाल जो हैं आयुर्वेद में आते रहते हैं, तो यत कुर्वन्ति क्या है? यत कुर्वन्ति सकाल, आप लोग लाइव नहीं कर रहे हैं लग रहा है, लाइव आइए, सभी लोग लाइव कीजिए वीडियो को,
वीडियो के ऊपर एक लाइव बटन होगा, लाइव, उस पर यहाँ पर एक रेड डॉट बनी होगी, इस पर आप दोनों पर क्लिक कीजिए, तब ये लाइव वीडियो पे आ जाएंगे आप, और वहां पर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए इस पे लाइव आप लोग कर लीजिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। यत कुर्वन्ति तत् अधिकरणम्। यथा कुर्वन्ति स उपाय। सुश्रुत अनुसार अम्ल रस का पंच भौतिक संगठन है। अम्ल रस का पंच भौतिक संगठन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत के अनुसार पंच भौतिक संगठन ऑफ अम्ल रस, अम्ल रस में कौन सा संगठन होता है? पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि होती है इसमें। लाइव आइए, सभी लोग लाइव कीजिए वीडियो को। पृथ्वी और अग्नि होती है इसमें। आगे देखिए, दंत हर्ष उत्पन्न करने वाला रस है। दंत हर्ष यानी दांत में खट्टापन, यानी सेंसिटिविटी, दांतों में सेंसिटिविटी किस प्रकार के रस के खाने से होती है? सेंसेशन, अम्ल रस, मधुर रस, कटु रस या तिक्त रस। इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है अम्ल रस है। विरेचनार्थ श्रेष्ठ स्वरस है। लाइव कीजिए सभी लोग, वीडियो को लाइव करते चलिए। श्रेष्ठ विरेचनार्थ, विरेचनार्थ श्रेष्ठ स्वरस है। कौन सा स्वरस जो है श्रेष्ठ है? एरंड, स्नोही, कारवेल्लक या हरित की? आंसर देने का जल्द से जल्द प्रयास कीजिए। एरंड, स्नोही, कारवेल्लक और हरित की। तो विरेचनार्थ द्रव्य संग्रह में अलग अलग औषधियों के अलग अलग कषाय कल्पना, अलग अलग कल्पनाएं प्रयोग में ली गई थी। उसमें स्वरस का प्रयोग कारवेल्लक में बताया गया था। कारवेल्लक का स्वरस, स्नोही का क्षीर, एरंड का तेल, हरितकी का फल, ये सारी चीजें आती हैं क्वेश्चन। विरेचनार्थ श्रेष्ठ फल है, तो श्रेष्ठ फल मैंने आप लोगों को बता दिया, हरितकी को बोलते हैं। अगला देखिए, किस माह में समुद्र जल पीने योग्य हो जाता है? तो ये समुद्र जल कौन सा समुद्र जल? ये क्या ये ओशन वाटर है? ओशन या सी वाटर? ऐसा नहीं है, सी वाटर नहीं है। समुद्र जल जो है पीने योग्य, समुद्र जल जो बारिश होती है उससे लिया गया है, एसिड रेन वगैरह से लिया गया था। तो समुद्र जल कब पीने योग्य हो जाता है? आश्विन के महीने में, जब धूप अधिक पड़ती। आगे देखिए, कौन सा मधु अति चक्षुषी होता है? मधु, मधु के अलग अलग प्रयोग बताए गए हैं, छौद्र, माक्षिक, आर्ग्य, छात्र, ये सब अलग अलग मक्खियों के बनाए गए मधु हैं। उसमें से सबसे ज्यादा चक्षुषी कौन सी मधु होती है, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आर्ग्य, आर्ग्य जो आर्द्र होती है, ये सबसे बेस्ट अति चक्षुषी कहा गया है इसे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मधु के अलग अलग बातें हैं, उनको आप लोगों को लेक्चर्स में पढ़ाया गया है, और जिन्हें वो लेक्चर चाहिए वो बाद में ऐड भी हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं। सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। त्रपोवादि गण में शामिल नहीं है ताम्र, रजत, स्वर्ण या तीक्ष्ण लौह। ताम्र, रजत, स्वर्ण, तीक्ष्ण लौह, इसमें आपको बताना है ताम्र,
त्रपुवादी गण में शामिल नहीं है। तीक्ष्ण लो, इसमें शामिल नहीं है त्रपुवादी गण में। आगे देखिए, आप लोग वीडियो को लाइव कीजिए, लाइव लाइव बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आप लोग क्विज लाइव खेल पाए। चिकित्सा का पर्याय प्रकृति स्थापन किसने बताया है? चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, कश्यप ने? तो चिकित्सा का जो पर्याय है प्रकृति स्थापन, ये आचार्य चरक की देन है। किसकी देन है? ये आचार्य चरक की देन है। सुश्रुतानुसार सुश्रुत संहिता में ऊर्ध गत रोगों से संबंधित अध्यायों की संख्या है। तो ऊर्ध जत्रुगत रोगों में उत्तर तंत्र में मिलता है आपको, तो 21+5 अध्याय जो हैं, यानी कुल मिलाकर 26 अध्याय जो हैं ऊर्ध जत्रुगत रोगों के लिए विवरण में लाए गए हैं। उत्तर तंत्र की 26 अध्याय स्टार्टिंग से लेकर। अष्टांग हृदय में रसायन वाजीकरण का वर्णन किस स्थान पर है? इसमें आप लोग को सबसे पहले आंसर देने का प्रयास करना है। अष्टांग हृदय में रसायन वाजीकरण का वर्णन किस स्थान पर है? सबसे तेज आंसर देने का प्रयास कीजिए। सूत्र स्थान में, उत्तर तंत्र में, शारीर स्थान में, निदान स्थान में? अष्टांग हृदय में रसायन वाजीकरण का वर्णन किस स्थान पर है? सूत्र स्थान, उत्तर तंत्र, शारीर स्थान? उत्तर उत्तर तंत्र में। सबसे तेज आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग, लेट आंसर देने में कोई सफलता नहीं मानी जाएगी। शल्य कर्मों की संख्या 13 किस आचार्य ने मानी है? शल्य कर्म 13 किस आचार्य ने मानी है? जल्द से जल्द प्रयास कीजिए इसको देने का। वाग्भट ने मानी है, और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा आप लोग। वाग्भट ने किया है, बिल्कुल सही जवाब है। शरद ऋतु में कितने दिन में व्रण में पट्टी खोल देनी चाहिए? शरद ऋतु में कितने, शरद ऋतु में क्या रहता है? पित्त का प्रकोप रहता है, तो पित्त के प्रकोप काल में 3 दिन में खोलोगे या 2 दिन में खोलोगे, यही सोचना रहता है। तो जब पित्त का प्रकोप है तो जल्दी पाक क्रिया जल्दी होगी ना, पाक क्रिया है पित्त के वजह से जल्दी हो जाएगी, तो 2 दिन में ही खोलते हैं। बाकी ऋतुओं में आपको 3 दिन तक बांधे रहना है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। त्रिस्थूण क्या है? वात पित्त कफ ही है, इजी क्वेश्चन। सुश्रुता अनुसार वात का प्रमुख स्थान है? सबसे तेज आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। पक्वाशय जो है चरक के अकॉर्डिंग, अगर चरक की बात करेंगे तो पक्वाशय है, और अगर सुश्रुत की बात करें तो, सुश्रुत की बात करें तो क्या है? श्रोणी गुद है।
आगे देखिए, कौन सी वायु रक्त पित्त शामक होती है? तो वायु देखिए कई तरीके से वायु चल सकती है, लेकिन जो दक्षिणी वायु होती है वो रक्त पित्त का शमन करती है। वायु का सारा सिस्टम आप लोग को तैयार रखना है हमेशा, किस वायु के लिए क्या कहा गया है, ये सारी चीजें गलती होती हैं यहाँ। सुश्रुता अनुसार कफ का प्रमुख स्थान है, तो कफ का जो है आचार्यों ने अलग अलग बताया है कुछ तो, लेकिन सुश्रुत ने आमाशय को सबसे कफ का प्रमुख स्थान बताया है। तो किस आचार्य ने किस स्थान को सबसे बेस्ट माना है, उसका आपको तैयार होना चाहिए। आमाशय बाई आचार्य सुश्रुत। षड् क्रिया काल का वर्णन सुश्रुत के सूत्र स्थान में कहाँ पर मिला है? 20, 21, 39, 21, बताइए। षड् क्रिया काल का विवरण कहाँ पर मिलता है? तो यूपीपीएससी के लिए हमारा बैच भी चल रहा हुआ है, यूपीपीएससी एमओ आयुर्वेद के लिए हमारा बैच स्टार्टेड है। उसमें हम रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर ले रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं पूरे सिलेबस का, और लाइव लेक्चर भी चल रहा है। जिन्हें भी इसमें जुड़ना होगा वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर जुड़कर, उस पर मैसेज कर कर आप जुड़ सकते हैं। इसका आंसर बताइए 21वें अध्याय में, बिल्कुल सही जवाब है। होश जोश परिधा धूम आयन पित्त की कौन सी अवस्था का लक्षण है? संचय प्रकोप प्रसर और स्थान संसर्ग। उसमें जो है हम लोगों ने क्या बताया हुआ है कि एक स्पेसिफिक लक्षण होता है, ऐसा नहीं है कि वात के प्रकोप में कॉमन लक्षण दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, स्पेसिफिक लक्षण। तो ये जो लक्षण है होश जोश परिधा धूमायन, ये पित्त के प्रसर का लक्षण है, स्पेसिफिसिटी यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ये बात है, प्रसर का लक्षण है। सिंघाणक सदृश स्राव किस स्थान के व्रण से निकलता है? शिरागत, स्नायुगत, संधिगत, मांसगत। तो इसका आंसर क्या होगा? संधिगत, स्नायुगत। स्नायुगत में क्या सिंघाणक सदृश स्राव निकलता है? तो व्रण व्रण के स्राव वाला नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा आप लोगों को। व्रण के स्राव में अलग अलग कलर के निकलते हैं स्राव, उसमें कौन सा व्रण का स्राव कैसा है तो वो आपको वहां से देखना होगा और सारी चीजें याद करनी होगी। षट क्रिया काल के कौन से काल में पूर्व रूप प्रकट हो जाते हैं? पूर्व रूप वाला जो है वो क्या है? स्थान संश्रय। असल में स्थान संश्रय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई बात करें कि षट क्रिया काल में क्या है तो स्थान संश्रय। आगे देखिए, अलसी गंध युक्त व्रण में दोष है। अलसी गंध युक्त व्रण में कौन सा दोष विद्यमान रहता है? वात और कफ। पंच कर्म गुणातीत रोग है, तो आप लोग ये बात नोट कर लीजिएगा कि हमारी यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और डेट भी आ चुकी है 31
31 जुलाई आप लोगों को डेट एग्जाम की है, उसकी तैयारी करनी अति आवश्यक है, अब जुटना बहुत ही आवश्यक है, क्वेश्चन लगाना बेहद महत्वपूर्ण इसमें रहता है। पंचकर्म गुणातीत रोग है, कुष्ठ विसर्प पुरुषतम उदर रोग, तो कुष्ठ इसका आंसर सही होगा, पुरुषतम नहीं होगा, अवधेश पाठक है। कहाँ स्थित व्रण 80 में होता है? बुध, मुख, कंक, कक्षावंक्षण, फलकोश। बुध, मुख, कक्षावंक्षण। डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग देखेंगे तो उसमें रहेगा। अब और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बुध, मुख, कक्षावंक्षण एंड फलकोश, तो क्या होगा इसका आंसर? कक्षा और वंक्षण। लाइव आइए, सभी लोग लाइव कीजिए। आगे देखिए, चिकित्सा के चतुष्पादों में सुश्रुत ने किसको अंतिम स्थान पर रखा है? तो अंतिम स्थान पर परिचारकों को रखा है, वैद्य को रखा है, अतुल को रखा है उसने। ये वाला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आज आप लोग समझा देता हूँ। तो चरक ने सबसे पहले किसको रखा है? वैद्य को रखा है, और इन्होंने भी वैद्य को रखा है। ये देख लीजिए, चरक ने वैद्य को रखा है, लेकिन लास्ट में परिचारक, अकॉर्डिंग टू चरक लास्ट में रोगी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत लास्ट में परिचारक है। भिषक द्रव्याण उपस्थित रोगी पाद चतुष्टय, ये श्लोक आपको चरक का मिल जाएगा। रोगी जो है लास्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत परिचारक लास्ट है। आइए देखिए, सुश्रुत ने भग विस्तार कितना बतलाया है? भग विस्तार कितना अंगुल बताया है? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत भग विस्तार 4 अंगुल, 8 अंगुल। ये शरीर प्रमाण के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया है अपने चैप्टर्स में, तो सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं, कराए जा रहे हैं, लेक्चर्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। हर लेक्चर्स को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, तो इसमें आंसर होगा 12 अंगुल। सुश्रुत ने पुरुष शरीर की लंबाई कितनी मानी है? कुछ आचार्य 84 मानते हैं, कुछ 6 फिट, कुछ 6 फिट के मॉडर्न का एक ऑप्शन दे दिया गया है, 184 अंगुल, 120 अंगुल। तो सुश्रुत में क्या है? सुश्रुत आचार्य ने बोला है कि बॉडी जो है 120 अंगुल की होती है। निम्न में से कौन सी एक सविष जलौका नहीं है? नहीं है पूछा गया है, कृष्णा, अलगर्दा, मूषिका, गोचंदना। कृष्णा, अलगर्दा, मूषिका, गोचंदना, जल्द से जल्द बताने का प्रयास कीजिए। इसमें है क्या? इसका आंसर करेक्ट आंसर देने दीजिए, इसका आंसर होगा मूषिका। तर्पयति, वर्धयति, धारयति, यापयति, क्या है ये? ये रस है। प्रीति किस धातु का कर्म है? रस, मज्जा, शुक्र या बी एंड सी दोनों? इसका करेक्ट आंसर रहेगा मज्जा और शुक्र दोनों का ही में प्रीति शब्द का आया है, बी एंड सी दोनों। विवेक कौन से वायु का कर्म है? प्राण, उदान, व्यान, समान। तो विवेक जो है समान वायु का कर्म है।
जल्द से जल्द जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। सुश्रुता अनुसार रक्त स्तंभ के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रक्त को रोकने के लिए किस आचार्य ने कितने बात बताई है? तो आचार्य सुश्रुत ने चार प्रकार की बातें बताई हैं, और ये फंडामेंटली है। इसके अलावा कोई मॉडर्न में नया खोजा ही नहीं गया है खून रोकने का सिस्टम जो है। अग्नि जो है अग्निकर्म जो है खून रोकने के लिए सबसे बेस्ट होती है। ऐषण आहरण क्या है? यंत्र कर्म, शस्त्र कर्म, बोध। तो ये बोध है, या क्या है? बोध है। भय क्या है? उप शस्त्र, अनु शस्त्र। इसका आंसर होगा उपयंत्र में भय का उल्लेख मिलता है, उपयंत्र। यंत्रों के गुण दोष के बारे में तो 6, 12 और 24 गुण दोष और कार्य, पहला ऑप्शन सही है। यंत्रों की परिभाषा में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि सुश्रुत क्या कहते हैं, यंत्रों की परिभाषा में सुश्रुत का क्या मत है? आगे आइए। सुश्रुता अनुसार नाड़ी यंत्रों की संख्या है 20। तो 20 नाड़ी यंत्र हैं, यंत्र टोटल कितने हैं? 101 हैं, उसमें से नाड़ी यंत्रों की संख्या 20 है। सुश्रुता अनुसार यंत्रों का प्रयोजन है व्रण शोधन, व्रण रोपण, शल्य हरण। तत्र मन शरीर बाधा कराणी षट प्रकाराणी यंत्राणी, ये तो सही बात आपने बता रही है। और तत्र मन शरीर बाधा कराणी, मन शरीर बाधा कराणी सल्यानी। तेषाम आहरणो उपायो ही यंत्राणि। तो शल्य जो है शल्य का आहरण करने का काम यंत्र करता है, और जो मन और शरीर में बाधा पहुंचे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शल्य। और जो शल्य को बाहर निकालने के इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिंह मुख यंत्र, कंक मुख यंत्र, स्वास्तिक यंत्र, ये सारे जो यंत्र हैं वो शल्य को बाहर निकालने का काम करते हैं। स्वास्तिक यंत्रों की लंबाई कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा 18 अंगुल होती है। नीचे के तीन जो यंत्र होते हैं वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, उनकी लंबाई का विवरण नहीं दिया गया है। सिंह मुख यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? ताल यंत्र, स्वास्तिक यंत्र, संदंश यंत्र या शालाक यंत्र। आंसर देने का प्रयास कीजिए। सिंह मुख किस प्रकार के यंत्रों में शामिल है? स्वास्तिक यंत्र, बिल्कुल सही जवाब है ए सद्दाफ। आचार्य सुश्रुत ने प्रधानतम यंत्र किसे कहा है? तो प्रधानतम यंत्र जो है ना वो हस्त है, और यही प्रधान यंत्र होता तो हो जाता कंक मुख, केवल प्रधान यंत्र होता। तो क्या हो जाता? कंक, और प्रधानता में तो हस्त हो जाता। वनस्पतियों का कौन सा अंग सबसे गुरु होता है? तो सबसे गुरु होती है कंद, उसकी राइजोम्स जो होती हैं वो जो है कंद जो ऐसे कंद होती हैं वो सबसे ज्यादा भारी होती हैं, गुरु होती हैं। अब ये आपको प्लांट पहचानना है, दो क्वेश्चन आप लोग करिए, प्लांट इसको पहचानिए।
इस प्लांट को आपको पहचानना है ये कौन सा प्लांट है। ऑप्शन है विभेदकी, एरंड बला, अति बला। एरंड इसका। अगला देखिए, एक और प्लांट आ रहा है, ये कौन सा प्लांट है। इस प्लांट को आपको पहचानना है, ये कांटेदार पौधा आप लोग देख रहे हैं, तो कैक्टस, एलोवेरा, स्नोगी, भल्ला तक। इसका आप आंसर दीजिए, ये कौन सा पौधा है। आइडेंटिफाई दिस प्लांट, स्नोही, भल्ला तक, एलोवेरा या कैक्टस। इस पौधे को आप लोग को पहचानना है, इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये है स्नोही। स्नोही इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्विज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जिन्हें भी हमारे यूपीपीएससी बैच में ज्वाइन होना होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत इसमें जुड़ सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर मिल जाएंगे, और आपका ड्यूरेशन 31 जुलाई को तक रहेगा, यानी उसी दिन ही आपको एग्ज़ाम रहेगा। जिन भी छात्रों का इसमें एग्ज़ाम क्लियर होगा उन्हें हम मॉक इंटरव्यू भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो मॉक इंटरव्यू प्लस ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसे प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में जाकर